हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो आज है डे 3, 20 तारीख है, सैटरडे का दिन है और ये स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे रूसो ब्रदर फैंस के लिए और रूसो ब्रदर के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। पार्ट 2 जल्दी रिलीज होगा। तो सबसे पहले मूवी आ रही है अपकमिंग रूसो ब्रदर की, द मैजिक। ये एक नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी है लाइव एक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है और पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चला है। और देन जैसी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट मूवी जो अनाउंस करी गई थी वो थी बैटल ऑफ द प्लैनेट। ये भी एक रूसो ब्रदर की अपकमिंग मूवी है, इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। देन उसके बाद रूसो ब्रदर की जो थर्ड मूवी थी वो थी द थॉमस। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हॉरर टाइप की मूवी लग रही है नाम से ही। और देन कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं आया अभी तक, पर ये भी एक रूसो ब्रदर का अपकमिंग प्रोजेक्ट है और लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। देन इसके साथ अगली जो सुपर हीरो मूवी है रूसो ब्रदर की वो है कैरी। तो कैरी के बारे में अपडेट मैं आपको थोड़ा आगे दूंगा, सबसे पहले मूवी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ड्रीम जैक, जो कि एक रूसो ब्रदर की एक और अपकमिंग मूवी है, इस मूवी के बारे में भी कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, पर लोगों को जिस तरीके से देखते हैं और जो अनाउंसमेंट करी है वो मैंने आपको बता दिया। देन उसके साथ अगला जो प्रोजेक्ट है रूसो ब्रदर का फ्यूचर का वो है द इलेक्ट्रिक स्टेज। तो ये भी एक रूसो ब्रदर की साइंस फिक्शन मूवी है, पर ये लाइव एक्शन है या फिर एनिमेशन है ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है। अब बात करते हैं द कैरी के बारे में, जो कि रूसो ब्रदर की एक और सुपर हीरो मूवी है एवेंजर एंड गेम के बाद। तो कैरी एक ऐसी मूवी है जो कि आप कह सकते हो जिसमें टॉम हॉलैंड को भी कास्ट करा गया है रिसेंट में अभी। और कैरी एक सुपर हीरो लाइक मूवी है जिसमें कि यंग टीनेजर्स होंगे। अब ये एक एनिमेशन मूवी होगी या लाइव एक्शन अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है, पर फ्यूचर में जो अपडेट आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके साथ रूसो ब्रदर के कुछ बिहाइंड द सीन दिखाए गए, रूसो ब्रदर ने स्क्रीन प्ले कैसे करा, देन उन्होंने क्या कैसे मेहनत करी, सारे कैरेक्टर को कैसे संभाला। तो ये है उनका पूरा बिहाइंड द सीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ करी रूसो ब्रदर की। और देन अब बात करते हैं Q&A के बारे में, जो कि रूसो ब्रदर से सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले रूसो ब्रदर ने कन्फर्म कर दिया और उनके राइटर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि टाइटन प्लैनेट थैनोस का होम प्लैनेट बर्थ प्लैनेट हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। उसके साथ रूसो ब्रदर से पूछा गया था कि सीक्रेट इन्वेंशन और सीक्रेट वॉर का क्या होगा इन फ्यूचर। तो रूसो ब्रदर ने बोला कि इसके ऊपर फ्यूचर में मूवी आएगी जो कि 6 पार्ट में बनेगी। फिर रूसो ब्रदर बाद में हंस जाते हैं और बोलते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। अब फ्यूचर में 6 पार्ट की मूवी उन्होंने मजाक में बोली, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। देन उसके साथ रूसो ब्रदर ने ये भी कंफर्म करा कि प्रोफेसर हल्क को वो पहले इन्फिनिटी वॉर में दिखाते चाहते थे, पर उन्होंने एवेंजर एंडगेम में दिखाना चाहा। देन 2013 वाली गमोरा बच गई है टोनी के स्नैप से, कन्फर्म हो चुका है और फ्यूचर में गार्डियन द गैलेक्सी में भी देखने को मिलेगी। और उसी के साथ एक और अपडेट है काफ़ी कमाल का, कैप्टन अमेरिका मरने वाले थे एवेंजर एंड गेम में थैनोस के हाथों 2023 में टाइम ट्रेवलिंग के साथ, पर वो सीन हटा दिया और मार दिया टोनी स्टार को। और अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड, रेड स्कल्क और कैप्टन अमेरिका का एक टीम अप होने वाला था पर इस मूवी को सीन में से हटा दिया बिल्कुल लोगों के लिए सिर्फ। और देन उसके साथ एक बिहाइंड द सीन डिलीट सीन आया थॉर से रिलेटेड सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, तो देखिए। All clear, which way? Oh, you say something? I said I want to claw my eyes out. But unfortunately, it wouldn't do any good because I already saw the awfulness. Will you focus? I'm focused. This pretty place is about to get uglified real quick by a bunch of freaking elves. Do you know that I saw all these people die? So this is a little bit difficult for me, okay? So why don't you reach down deep inside and try and find a small ounce of humanity? Just give me the thingy. Just give me the thingy. Just give me the thingy. I didn't even want to come here. Living all these repressed memories. I gotta get it together. Yes, good. You're embarrassing. All right, which way? You don't know? You used to frickin' live here. For 1,500 years, not forever. That way, I think. Yeah, maybe. We are dead. We are so, so dead. तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर ब्लैक वीडियो के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।